हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टार्टअप साइंस बुक ऑफ स्टैंडर्ड 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स एंड टुडे वी विल बी डूइंग इट्स सेकेंड पार्ट। इन लास्ट वीडियो ऑफ माइन आई हैड डन इट्स फर्स्ट पार्ट एंड टुडे आई विल बी डूइंग इट्स सेकेंड पार्ट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रीथिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। Breathing organs in animals. Breathing is an important process for all living things. During breathing, an exchange of gases takes place. Oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. The intake of oxygen is necessary as it helps to break down the food and release energy which is required to perform various activities. Different animals have different breathing organs. Some of them are discussed here. Breathing organs in animals. सांस लेने वाले जो अंग हैं एनिमल्स के, सांस लेने वाले जो ऑर्गन हैं, वो अलग अलग एनिमल के अलग अलग रहते हैं। ठीक है, सांस लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सारे प्राणियों के, जीवित प्राणियों के। जब जीवित प्राणी सांस लेते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो लोग सब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के भीतर ले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन लेना हर प्राणी के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है उनको मदद करता है कि उन्होंने जो खाना खाया है उसको, वह खाने को तोड़ दे और उससे एनर्जी बनाकर बॉडी को दे सके, और बॉडी को ये एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वह अपने सारे काम कर सके। सारे एनिमल्स जो हैं उनका अलग अलग ब्रीथिंग ऑर्गन है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वह सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स एक्सचेंज the gases through small openings on their body surface known as spiracles. Gill is a breathing organ found in almost all aquatic animals like fish, crab, tadpole, prawn, etc. Gills help these animals to absorb oxygen dissolved in water. Microscopic organisms use their body surface to breathe. जो कीड़े होते हैं, ठीक है, वह ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं? उनके बॉडी में छोटे छोटे ओपन सरफेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे हम बोलेंगे होल्स जैसे उनके बॉडी में रहते हैं, पूरे ही बॉडी में छिद्र रहते हैं छोटे छोटे, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। और ये छोटे छोटे जो ओपन सरफेस रहते हैं उसको क्या कहते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी को? स्पाइरेकल्स कहते हैं। उसी से वह सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसी तरह गिल्स एक तरह का ब्रीथिंग ऑर्गन है जो कि बहुत सारे जानवर में पाया जाता है, जैसे कि मछलियों में पाया जाता है, केकड़ों में पाया जाता है, टैडपोल जो होते हैं मेढक के छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, प्रॉन जो होती है चिंगुड़ी मछली उनमें भी यह पाया जाता है गिल्स, जिससे जो कि उनको पानी वाले जानवर जो हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सांस लेने में आसानी होगी गिल्स की मदद से। गिल्स की मदद से क्या होता है कि ये पानी वाले जानवर जो हैं जब पानी में घूमते हैं तो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, हम लोग जानते हैं, तो वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स एब्जॉर्ब करता है और इनको सांस लेने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग के छोटे बच्चों का गिल्स से वो सांस ले, ठीक है। अब जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे ऐसे प्राणी जो कि सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, हमारी खुली आँखों से नहीं देख पाएंगे, तो जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब, तो ये सब कैसे सांस लेते हैं? ये सब अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू सांस लेते हैं। इनके जो बॉडी का ऊपर का सतह होता है उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। अदर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। Animals like frog and toad that spend part of their life underwater and part of it on land are called amphibians. When young, these animals live in water and breathe through gills. As adults, they breathe through lungs on land and moist skin in water. कुछ animals हैं, ठीक है, जैसे कि reptiles जितने होते हैं, रेंगने वाले जो जीव होते हैं, या फिर बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, ये सब कैसे सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। लंग्स जो है अपने नोज़ के थ्रू वो ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाते हैं, और वह उनके लंग्स के पास जाता है, और लंग्स की मदद से फिर वह उनके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, और लंग्स की ही मदद से कार्बन डाइऑक्साइड उनके ब्लड से बाहर निकल जाता है।
ठीक है, क्या होता है, नोज़ से वो सांस लिए, वह ऑक्सीजन गया लंग्स में, लंग्स के पास से ब्लड की मदद से वो पूरे बॉडी में फैल गया ऑक्सीजन, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो लंग्स के पास ले आता है, और लंग्स के पास से फिर नोज़ से वह बाहर निकल आता है। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कुछ समय पानी में रहते हैं और कुछ समय ज़मीन में रहते हैं, ऐसे एनिमल को एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग और टोड, और ये जो मेंढक और मेंढक जैसे और एक जीव है उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। कुछ समय वो पानी में रहते हैं, कुछ समय ज़मीन में रहते हैं। जब वो छोटे छोटे रहते हैं और पानी में रहते हैं, बहुत यंग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब पानी में रहते हैं तो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं, और जब बाहर आएंगे ज़मीन पे तब उनके बॉडी में लंग्स डेवलप हो गया होता है और वो लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। फिर वो दोबारा जब पानी में जाएंगे तब उनका जो ऊपर का स्किन है, मॉइस्ट स्किन, भींगा हुआ उनका स्किन रहता है, वो स्किन की तरह सांस की मदद से सांस लेंगे। समझ गए ना? जब छोटे रहेंगे तो गिल्स की मदद से, जब बड़े होंगे तो ज़मीन पे आएंगे तो लंग्स की मदद से, और जब पानी में जाएंगे तो मॉइस्ट स्किन, भींगे हुए स्किन की मदद से सांस लेंगे। मूवमेंट इन एनिमल्स, अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मूवमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। इट नॉट ओनली हेल्प्स देम टू ऑब्टेन फूड एंड गेट शेल्टर, बट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर और प्रीडेटर्स और नेचुरल कैलामिटीज। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव, लेट्स स्टडी सम ऑफ देम इन डिटेल। देखिए, अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स का वेरिएशन पढ़ा, उनके हैबिटेट के हिसाब से पढ़ा, जहाँ वह रहते हैं, उनके खाने के तरीके से पढ़ा, फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से, फिर उनका जो है ब्रीथिंग ऑर्गन्स के हिसाब से पढ़े, उनके बॉडी कवरिंग्स के हिसाब से पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे उनके मूवमेंट के तरीके से कि किस तरह से वह एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। प्लांट्स जैसे एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, पर एनिमल्स जो हैं जानवर वह एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं। यह जो उनका मूवमेंट होता है उनके बॉडी का, उसको कहते हैं लोकोमोशन। ये उनको क्या मदद करता है, उनको खाना लेने में मदद करता है, छाया पाने में, रहने की जगह पाने में उनको मदद करता है, साथ ही उन पे अगर कोई खतरा है जान अपने दुश्मनों का उससे उनको बचाता है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, प्राकृतिक विपदा आ गई उससे भी उनको बचाता है। मान लीजिए अचानक से बाढ़ आ गई, पूरा पानी भरने लगा, तो ये एनिमल क्या करते हैं, भाग के जाते हैं उस जगह से जहाँ पानी भर रहा है, वहाँ से भाग जाते हैं दूसरी सूखी जगह पे अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो किसी तरह का जो नेचुरल कैलामिटी होता है, नेचर जो जैसे कि तूफान है, बाढ़ है, सूखा है, आग लगना, ये सब से अपने आप को ये बचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करके। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग बॉडी पार्ट होता है उनको मूव करने के लिए, उनको हम पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स कैन मूव इन वेरियस वेज, दे कैन वॉक, जंप, फ्लाई, हॉप और क्रॉल। बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। टर्माइट, लाइस एट्सेट्रा मूव बाई क्रॉलिंग। सिमिलरली एंट्स एंड कॉकरोचेज वॉक। ए ग्रास हॉपर हॉप्स यूजिंग इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स लाइक बैक स्विमर एंड वाटर बोटमैन यूज देयर हिंड लेग्स टू स्विम। अब जो कीड़े हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, वो चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, छोटा छोटा जंप छलांग लगा सकते हैं, या क्रॉल कर सकते हैं, रेंग रेंग के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्रॉल करके मतलब धीरे धीरे चल चल के। ठीक है, बटरफ्लाई और मॉस्किटो जो होते हैं, ठीक है, जितने भी यह होते हैं आपके तितलियाँ होती हैं और मच्छर जो होते हैं, उनका क्या होता है, या तो एक जोड़े पंख होते हैं या दो जोड़े पंख उनके होते हैं जो कि उनको उड़ने में मदद करता है। इसी तरह टर्माइट्स और लाइस जो होता है, दीमक और यह जो बाल में रहने वाले जो कीड़े रहते हैं, लाइस, ठीक है, ये सब धीरे धीरे चल चल के क्रॉल कर करके इधर से उधर मूव करते हैं। इसी तरह चींटियाँ और तेलचट्टे जो होते हैं, एंट्स और कॉकरोचेस, वो धीरे धीरे चल चल के वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एक जो ग्रास हॉपर होता है ना, ये जो हम लोग जानते हैं ना, पेड़ पौधों के पास रहता है ग्रास हॉपर, ठीक है, तो ग्रास हॉपर कैसे चलता है, वो हॉप करता है, वो छोटी छोटी छलांग लगाता है, कैसे, उसके लंबे लंबे पीछे के जो दो पैर होते हैं उसके वो लंबे लंबे होते हैं, उसकी मदद से वो छोटी छोटी छलांग लगा के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसी तरह पानी में रहने वाले कुछ छोटे कीड़े होते हैं
जिनको बैक स्विमर और वाटर बोटमैन कहते हैं, ठीक है, बैक स्विमर और वाटर बोटमैन होते हैं पानी में रहने वाले कीड़े, वो भी अपने जो हिंड लेग्स हैं, उनके हिंड लेग्स मतलब पीछे के जो पैर हैं, उसकी मदद से वो पानी में स्विम करते हैं, तैरते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम ऑफ देम हैव लेग्स एंड सम यूज देयर स्केली स्किन टू मूव बाई क्रॉलिंग। टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल हैव लेग्स एंड मूव अबाउट यूजिंग देम। अ स्नेक ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव लेग्स। It uses scales present on the underside of its body to move. Besides these, a strong muscular system and flexible backbone aid it in moving. A turtle can swim easily using its limbs. जो reptiles होते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि छिपकली, सांप और मगरमच्छ, वो लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कुछ के तो पैर होते हैं, कुछ का स्किन स्केली स्किन्स रहता है, मैंने उनके स्किन के ऊपर स्केल्स रहता है, रफ रफ जैसा एक तरीका का, रफ तरीके का एक स्केल्स जैसा रहता है, जो कि उनको धीरे धीरे चल के आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने बॉडी को वो दबाएंगे और आगे की तरफ खींचेंगे, क्रॉल करने में उनको मदद करता है। जो कछुए और मगरमच्छ होते हैं, उनके तो छोटे छोटे पैर होते हैं, उसकी मदद से वह चलते हैं। सांप के तो पैर नहीं होते हैं, इसलिए उसके बॉडी के अंदर की तरफ जो स्केल्स होता है, उसी स्केल से वह जमीन को दबा दबा के आगे आगे बढ़ता जाता है। इसी के साथ सांप वगैरह का क्या होते हैं, उनका मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग है, उनका मसल्स का सिस्टम जो है, मसल्स उनकी बॉडी में हुआ काफ़ी स्ट्रांग है। उनका जो बैकबोन है, उनकी पीठ की जो हड्डी है, वह बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मतलब वो बहुत ही लूज़ है, आसान से इधर उधर मुड़ जाती है। ठीक है, हम लोग क्या सांप के जैसे इधर उधर मुड़ सकते हैं? नहीं मुड़ सकते हैं। हमारा बैकबोन थोड़ा हार्ड है, पर उनका पूरा फ्लेक्सिबल है, रबर के जैसा इधर उधर मुड़ सकता है, वो उनको मदद करने में, मूव करने में मदद करता है। इसी तरह टर्टल जो है, वह आसानी से पानी में तैर सकता है अपने छोटे पैरों की मदद से, लिम्ब्स की मदद से, आगे के दो पैर और पीछे के दो पैरों की मदद से। Birds can hop or walk on land, swim in water and fly in air. The four limbs of a birds are modified in the form of wings that help them to fly. Crow, sparrow, eagle, parrot are common birds that fly in the sky. Some birds like ostrich, emu and kiwi are called flightless birds because they have very heavy bodies and weak wings and cannot fly. Birds use their hind limbs or legs to walk, run, catch prey and even attack their enemies. Birds like duck, swan, etc. can also swim in water due to their webbed feet. अब चिड़िया सब कैसे चलती है? चिड़िया सब या तो छोटी हॉप करेंगी, छोटी छोटी छलांग लगाएंगी, या ज़मीन पे चलेंगी, या फिर पानी में तैरेंगी, या फिर हवा में उड़ेंगी। ठीक है, जो चिड़िया के जो आगे के पैर होते हैं, आगे के पैर तो हम लोग को दिखते नहीं, दो ही पैर दिखते हैं, उनके जो आगे के पैर हैं वह उनके पंखों में बदल गए हैं। ठीक है, उनके विंग्स में बदल गए हैं, उनके पंख में बदल गए हैं, मॉडिफाई हो गए हैं पंख में, जो कि उनको उड़ने में मदद करता है। आगे का जो पंख फड़फड़ा के उड़ते हैं, वही उनके आगे के पैर होते हैं। कौआ, गौरैया, गरुड़ और तोता, हाँ, ये सब कुछ कॉमन बर्ड्स है जो कि आकाश में उड़ते हैं। गरुड़ किसको बोलते हैं? ईगल को बोलते हैं, और गौरैया स्पैरो को। अब कुछ ऐसे भी चिड़ियाँ होती हैं जो उड़ नहीं पाती है ना, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, वह उड़ नहीं सकता है। इसी तरह एमू, एमू भी उड़ नहीं पाता है, वो शुतुरमुर्ग से छोटा होता है। एमू कहाँ का नेशनल बर्ड है? ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है। ठीक है, वो भी उड़ नहीं सकता। इसी तरह कीवी जो बर्ड है, ये भी उड़ नहीं सकते। तो जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते, उनको हम लोग क्या बर्ड्स बोलते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो नहीं उड़ सकते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स। क्यों? अगर क्या बात है, ये चिड़िया उड़ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ये जो है एमू, ऑस्ट्रिच और कीवी, इनका बॉडी बहुत हैवी रहता है, जो कि इनको उड़ने को नहीं देता है, और साथ ही इनके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वो इनको उड़ने में मदद नहीं करते हैं। तो ये चिड़िया कैसे चलेंगे? तो इनके जो पीछे के पैर हैं, हिंड लिम्स जो हैं, पीछे के पैर हैं, उससे ये चलती हैं, दौड़ती हैं, और अपने शिकार को पकड़ती हैं, या फिर अपने दुश्मनों पे अटैक भी करती हैं। अब कुछ बर्ड्स है, जैसे डक और स्वैन, बतख और हंस, वो क्या करते हैं? वो सब पानी में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फीट है, उनका नीचे का जो पैर है, वो वेब्ड है, इस तरह का डिज़ाइनिंग है
एक दूसरे से जुड़ा है, उनकी उंगलियां सब जुड़ी हुई हैं और इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि वह पानी में आसानी से तैर सके, चौड़ी हैं और जुड़ी हुई हैं, वेब्ड फीट जिसको बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड मैनी अदर्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। मोस्ट एनिमल्स यूज ऑल द फोर लिम्स टू वॉक, रन एंड फॉर अदर मूवमेंट्स। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक टर्टल्स यूज देयर लिम्स टू स्विम। अदर्स लाइक फ्रॉग यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, वाइल दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप ऑन लैंड। फिश हैव फिन्स टू मूव इन वाटर। द फिन्स हेल्प फिश टू स्विम एंड मेंटेन बैलेंस इन वाटर। द टेल फिन हेल्प्स देम टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है, अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा है ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको कहते हैं, ज़मीन पर रहने वाले एनिमल होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ, हाथी। इनके क्या होते हैं, दो जोड़ी पैर होते हैं, दो आगे के पैर, दो पीछे के पैर। ठीक है, ये अपने वो चारों पैरों को यूज़ करते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए और दूसरे मूवमेंट करने के लिए। अब जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि टर्टल है, वह क्या करता है, वह अपने पैरों की मदद से तैरता है, स्विम करता है। फ्रॉग जो है, फ्रॉग के भी पैर कैसे होते हैं, वेब्ड फीट है। ठीक है, तो जब फ्रॉग पानी में रहेगा तो उस वेब्ड फीट की मदद से वह स्विम करता है, और जब वह बाहर ज़मीन पे आएगा तो उसके जो हिंड लेग्स है, पीछे के पैर की मदद से वह हॉप करता है, छोटी छोटी छलांग लगाता है ज़मीन के ऊपर। मछलियों का क्या होता है, फिन्स होता है, जो कि उनको पानी में आगे बढ़ने में मदद करता है। आपने देखी है ना मछलियों के साइड के फिन्स और पीछे टेल का, उनके पूंछ का भी फिन्स होता है ना, ये फिन्स जो है उनको मछलियों को तैरने में मदद करता है और अपना बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है पानी के अंदर। और जो पीछे का जो पूंछ का जो फिन्स है, टेल फिन्स है, वो उनको पानी के भीतर इधर उधर डायरेक्शन चेंज करने में, दिशा चेंज करने में मदद करता है। माइग्रेशन, तो हमने अभी इतने सारी कैटेगरीज़ के हिसाब से पढ़ा कि कैसे एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, किस किस कैटेगरी के हिसाब से। उसी तरह से और एक कैटेगरी है माइग्रेशन। अब यह माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सीजन, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। दिस हैपन्स एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशन इन देयर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ। आइदर द वेदर बिकम्स टू कोल्ड और टू हॉट और द अवेलेबल फूड बिकम्स स्केयर्स। मेनी टाइम्स एनिमल्स ऑल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स और फ्लड्स। द वर्ड माइग्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड माइग्रेटस विच मीन्स टू चेंज। माइग्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है माइग्रेटस, उसका मतलब है बदलाव लाना। माइग्रेशन क्या होता है, जानवर जो है एक क्षेत्र से, एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ चले जाते हैं। कब, जब उनके वो जहाँ पहले से रह रहे थे वहाँ सीजन में चेंज आ गया, हाँ, या फिर उनका खाने के लिए वहाँ पे कमी हो गई है अब। ठीक है, वो सब के कारण वो क्या करते हैं, अपने एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह कुछ समय के लिए रहने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम में होगा, हर साल जब उस तरह का कंडीशन उनके हैबिटेट में आ जाएगा कि खाने की कमी हो गई, सीज़न ऐसा हो गया कि वह रह ना सके, तब वह जो है उसी सीज़न के समय, उसी पर्टिकुलर सीज़न के समय दूसरी जगह पे चले जाएंगे जहाँ वह आराम से रह सके। क्यों, क्योंकि वो जहाँ पहले हैबिटेट उनका था, जहाँ वो पहले शुरू से रह रहे थे, वहाँ ऐसा कंडीशन हो गया है कि अब उनको वहाँ जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए वह दूसरी जगह पे चले जाते हैं। या तो वेदर बहुत ही ठंडा या बहुत ही गर्म हो जाता है, या फिर खाने की पूरी तरह से कमी हो जाती है। कई बार और एक कारण है जिसके कारण एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, वो क्या होता है, नेचुरल कैलामिटीज़। मान लीजिए वहाँ पे अर्थक्वेक आया है, भूमिकंप हुआ है, ड्राफ्ट आया है, मतलब कि तूफान, ये सूखा पड़ा है, या फ्लड्स आए, बाढ़ आई है, तो इन सब से बचने के लिए भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यूजुअली द वर्ड माइग्रेशन इज़ मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स माइग्रेट ट्वाइस इन अ ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम, बट ओनली सम बर्ड्स माइग्रेट, नॉट ऑल। द बर्ड्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, वाइल द वंस दैट डू नॉट माइग्रेट आर कॉल्ड रेसिडेंट बर्ड्स। द मेन रीजन बिहाइंड देयर माइग्रेशन इज टू एस्केप कोल्ड वेदर कंडीशंस एंड टू फाइंड फूड। दे कम बैक टू द ओरिजिनल हैबिटेट ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिक टर्न नेस्ट
near the North Pole in summer and flies all the way to Antarctica in autumn to escape harsh cold conditions. Migrating ducks and geese often fly in V-shaped formation which help them in saving energy. माइग्रेशन वर्ड जो है ना वो ज़्यादातर चिड़िया लोग के साथ एसोसिएटेड है, बर्ड्स लोग के साथ, ठीक है। बर्ड्स जो है हर एक साल में दो बार माइग्रेट करते हैं, दो बार अपना हैबिटेट छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। किस सीज़न में? स्प्रिंग, वसंत के सीज़न में, और ऑटम, पतझड़ के सीज़न में वो चले जाते हैं, ठीक है। पर सारी चिड़िया माइग्रेट नहीं करती हैं, कुछ ही चिड़िया हैं जो वो माइग्रेट करती हैं। जो चिड़िया माइग्रेट करती हैं, दूसरी जगह जाती हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, और जो चिड़िया नहीं जाती हैं वहीं रह जाती हैं उनको रेसिडेंट बर्ड्स कहते हैं। उनका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ठंडा कंडीशन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई है, तो वो ठंड से बचने के लिए वो गर्म जगहों पर चले जाते हैं जहाँ उनको खाना भी भरपूर मिलेगा, ठीक है। फिर हर साल जब ठंड का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब वो वापस अपनी जगह पे, अपने घर पे आ जाते हैं वापस। एक चिड़िया है जिसका नाम है आर्टिक टर्न, ठीक है। वो हर साल जो है गर्मियों में वो नॉर्थ पोल में रहती है और पूरा और फिर उड़ उड़ के वो कहाँ चली जाती है? एंटार्क्टिका, पूरा साउथ पोल के पास चली जाती है, ताकि जब बहुत ठंड पड़ गई है नॉर्थ पोल में तो उनसे बचने के लिए वह चली जाएगी साउथ पोल में, और जब नॉर्थ पोल में गर्मी रहेगी तो वो वहीं पे रहेगी। आप सोचते हैं चिड़िया कितनी दूर उड़ के जाती हैं, लाखों लाखों किलोमीटर उड़ के जाती हैं। कई ऐसे बत्तख होते हैं, डक्स और गीज होते हैं, जो जब माइग्रेशन करते हैं उड़ के जाते हैं तो ना वो कैसा शेप बनाते हैं, वी शेप बनाते हैं उड़ के जाने के लिए। वैसे में क्या होता है, उनको एनर्जी की बचत होती है उस तरीके से उड़ने में। Besides birds, some other animals like caribou, elk, some bats, whales, etc. too migrate in search of food. Among insects, butterflies and moths also migrate. A very common example is monarch butterfly that migrates from Canada to Mexico in winter. चिड़िया को छोड़ के कुछ और भी जानवर हैं जो कि माइग्रेट करते हैं खाने के खोज में। इसमें एक है caribou और elk. Caribou और elk क्या है? अलग तरह के हिरन हैं जिनके जो सींग है वो सींग पूरा ब्रांच ब्रांच निकला होता है, 12 सिंगा टाइप का जो हिरन होता है उसको कैरिबियो और एल्क कहते हैं, जिसके ब्रांच सींग में ब्रांचेस निकला हुआ रहता है। और इसी तरह कुछ चमगादड़ और वेल्स जो हैं वो भी खाने की खोज में दूसरी जगह चली जाती हैं। इसी तरह कीड़ों में भी तितलियाँ और मॉथ्स जो हैं वह भी माइग्रेट करते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मोनार्क बटरफ्लाई का, वो नॉर्थ अमेरिका में ही कनाडा से मेक्सिको चली जाती है ठंड के सीज़न में, ठीक है, ठंड से बचने के लिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, और मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। आप इस चैप्टर को रीड करें, साथ में मेरा वीडियो सुनते जाए, तब आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ईजी भी लगेगा। चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसके आपको एग्जांपल्स ज़्यादा याद करने होंगे। मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए और सब लोग इसका बेनिफिट उठाइए। ओके, थैंक यू।